केवल हमारे नेता प्रतिपक्ष को जब विपक्ष विपक्ष के लोगों ने बोलने से रोका तो उनसे सवाल पूछा कि आप हमारे नेता प्रतिपक्ष को कैसे रोक सकते हैं। इसी बात की पर पतंगर उठा के क्योंकि उनकी गिरगिरी राजस्थान के लोगों के सामने आ रही थी। एक कानून मंत्री अपने ही बेटे को डबल एजी बना दे और अपने ही घर में जो आम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को या किसी अच्छे वकील को जो सरकार का अच्छा पक्ष रख सके उसके अधिकार को अपने घर में देने की कोशिश करेंगे मुद्दा नेता प्रतिपक्ष उठा रहे थे। और सरकार की जब किरकिरी होने लगी और वो किरकिरी दिखने लगी जनता के सामने आने वाली थी तो ये बौखला गए और बौखलाहट में दिल्ली से लेकर यहाँ तक जिस तरह के कर्म ये करते हैं, लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश करते हैं, संविधान की हत्या करने की कोशिश करते हैं, वही काम इन्होंने कर दिया और जनता के सामने इनके चाल चलन हो चला है। देखिए क्या होता है, वैसे तो मैं इस प्रकार की अच्छी मानसिकता और सोच रखने वाले लोगों को जवाब नहीं है, लेकिन माता और बहनों की अस्मिता से उन्होंने जोड़ दिया उसमें एक जिम्मेदार नागरिक और जिम्मेदार जननेता होने के नाते मुझे वो बात आपको बतानी चाहिए। कल हुआ ऐसे कि सब लोग बिस्तर आ गए थे, सब बिस्तरों का आराम से रिलैक्स हो गए। सुशीला डूडी जी बेंच पर बैठी हुई थी, पूरे दिन के हंगामे से बहुत थकी हुई। एक विधायक ने उनसे आग्रह किया, सीनियर विधायक ने, कि बहन जी आप घर चले जाओ, हम हैं यहाँ पर रात को, आप चिंता मत करो, आप थके हुए लगे। तब उन्होंने जवाब में ये कहा कि आप चिंता मत करो, अगर आप लोग यहाँ हो तो हम भी यहीं रुके। तब दूसरे विधायक ने ये कहा कि कोई बात नहीं, अगर बहन जी थकी है तो इनसे छोटी विधायक बहुत है, घूम के पैर दबा देंगे, इसमें क्या हो गया। उसके साथ में मैंने कहा तो यार दबाने ही चाहिए, इसमें अच्छी बात है, अपने से बड़े विधायक के पैर दबाने तो अच्छी बात है। मैंने तो संस्कारों वाली बात करी और ये मुद्दा जो चर्चा चल रहा था, ये सुशीला डूडी जी खटी हुई बेंच के ऊपर बैठी तो उनको सबको लग रहा था कि वो अनकंफर्टेबल है, शायद नीचे जो बड़े पे लगे उन पर नहीं आकर वो बेंच पर बैठना, इसलिए आप घर चले गए, वो बात हुई। लेकिन देखिए राजनीति के अंदर इस प्रकार के प्रहार होते रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई मुद्दा बचा नहीं है, इसलिए वो इस प्रकार के पहले का काट के बाद का काट के बीच का चला के उसका अर्थ का अनर्थ करके चला रहे और ये जनता के सामने आ चुका है। देखिए ये तो निश्चित है कि मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, लेकिन मैंने जवाब दिया एक जिम्मेदार नागरिक होने के। और दूसरी बात, जिन्होंने भी इसमें उत्तेजना दिखाई है और मेरी छवि को दुर्बल करने की कोशिश करी है उनको मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी एक बात कहते थे कि गुजर झगड़ा 3 महीने तक चलता है, 100 साल चलती सामने। तो अगर मेरी निजी छवि बिगाड़ने के लिए कुछ लोगों ने जल्दबाजी में इसमें इस काम को किया है और वीडियो को काट कर एडिट करके, तो मैं चाहे 10 साल में, चाहे 20 साल में, चाहे 25 साल में, उनकी गलती का उनको ऐसा जरूर करूंगा, ये मेरा आपसे वादा है।